सीकर रोड में रेन वाटर डिस्चार्ज, अब 14 नंबर की सड़क जो पुलिया है वहां से ये चोमू पुलिया तक 7.2 किलोमीटर है, 100.32 फीट का फर्क है। जब 100 फीट का पानी बहकर आएगा तो नेचुरल है कि वो कहीं ना कहीं तो डिस्चार्ज होगा ही, और वो घरों में जाता है और इस कारण परेशानी होती है। लेकिन इतने वर्षों में क्या किया, बीआरटीएस तो बना दी, उससे पानी और ज्यादा भरने लग गया। आपकी खुद के जेडीए में रिपोर्ट्स पड़ी है, इसका निस्तारण करने के लिए एमओयू आप लोगों ने किया और एक नाला निकाला भवानी निकेतन से, 11 फुट गहरा है, मेरे ख्याल से चौड़ा है और 7 फुट गहरा है, लेकिन उस नाले में पानी जाने के लिए रास्ता बनाना आप भूल गए। मैंने लिखा पत्र, प्लॉट नंबर 17 एक अलॉट जो नहीं हो सकता था उसके अंदर नाला लिखा हुआ है, अप्रूवल में कैंसलेशन लिखा है, नहीं नॉट अप्रूव्ड, वो नाला वहां से निकाल देते, सीकर रोड का आधे से ज्यादा पानी उधर डाइवर्ट हो जाता, लेकिन नहीं किया था। जोटवाड़ा पुलिया बनी, जोटवाड़ा पुनिया वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया, जोटवाड़ा का पानी उधर से ही आता था, आज थाने के आगे भरा रहता आधा किलोमीटर में पानी, और हर साल सड़क का निर्माण वापस करना पड़ता है रिको को भी, वो पानी कहाँ जाएगा? अभी फिर वहां पे जोटवाड़ा का हो रहा है, मैंने जो भी इंजीनियर्स हैं उनको कहा पानी के निकासी की बात करो। अब जब ये एक्सप्रेस वे 200 फुट का अजमेर रोड से दिल्ली रोड बनाया, ब्लैंकेट दिया हुआ है एनओसी, कोई भी वहां से अब 2 मीटर का है तो अगर निवारू रोड में से बिजली का 132 केवी का निकल गया 2 मीटर के पास, वहां पे दूसरा कोई आप यूज नहीं कर सकते पानी के लिए। 25 फुट गहरा लेकर आर्मी को सप्लाई करने के लिए लाइन निकाली, तो थोड़ा ये अगर पहले सोच लेते अधिकारी तो मेरे ख्याल से ये कठिनाइयां नहीं आनी पड़ती। 1981 में जिन लोगों ने पैसे जमा कराए, मंत्री महोदय मैं आपका ध्यान इसमें आकर्षित करना चाहता हूं, बड़ी अच्छी अच्छा एग्जाम्पल रहेगा, मदनबाड़ी राजीव नगर। अब ये दो ऐसी कॉलोनियां हैं जिसमें 1981 में पैसे जमा हो गए, पैसे उस समय जब जमा होते थे कलेक्ट्री में होते थे और उस समय लिखते थे उसको रकबा राज, क्योंकि वो उस समय यूआईटी थी, जेडीए बना नहीं था, रकबा राज लिखे, तहसीलदार जी को कुछ देन लेन नहीं किया सोसाइटी वाले ने, तो उसने एक लेटर लिख दिया 6 महीने बाद कि ये विद्याधर नगर के एक्विजिशन में से रह गए हैं खसरा नंबर, इसलिए इनको अक्वायर किया जाए और दोबारा एक्विजिशन के नोटिफिकेशन निकले। जब नामांतरण दर्ज होता है तो उसमें पहले का नोट लगा होता है, वो ही कोई देखने की कोशिश कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी आप ही के हस्ताक्षर से एक और कॉलोनी है, नर्सिंग आर्केड। अब भू माफिया के मन बदल गया, पहले एग्रीमेंट्स कर लिए, दे दिया, नक्शा पास हो गया, अमाउंट जमा नहीं कराया। अमाउंट तो अब जो सोसाइटी ने भी जमा कराए हैं तो सबसे लेके अलॉटीज को ने करवाए। अब उसमें अगर मन बदल जाए काश्तकार का, क्योंकि अग्रीमेंट के आधार पर ही कर रहे हैं, चेंज कर दो लॉ कि अग्रीमेंट में अगर रजिस्टर्ड अग्रीमेंट नहीं है तो लागू नहीं होगा, या रजिस्टर्ड डीड नहीं है तो लागू नहीं होगा, ताकि कम से कम ये बेईमानियां तो बंद हो। आज जिसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, प्लॉट ले लिया और काश्तकार वापस करा 20 साल बाद कि मैं तो मेरे हिस्से की नहीं बेचना चाहता, तो पहले आपने काश्तकार ने खुद ने दिया है, ये भी एक एग्जाम्पल है, आप स्टडी करवाएं। तो ऐसे अगर छोटे मोटे केसेस निकलेंगे, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। आप परकोटे के अंदर का ले लें, स्टेट टाइम के पट्टे जो मिलते थे वो बाय एंड लार्ज मिक्स्ड यूज के भी थे, दरवाजे कितने निकलेंगे किस साइड पे निकलेंगे वो उसके अंदर अंकित होता था, लेकिन अगर दरवाजे वो लिखे हैं वो है फ्री होल्ड,
और दो पीढ़ी बाद में आज आपने ये चेंज किया है, कंप्यूटर में दर्ज होना चाहिए कि ये यूडी टैक्स या दूसरा टैक्स कौन देगा। तो वो म्यूटेशन एक तरह से नामांतरण लोकल बॉडीज में होता है, पट्टे के ऊपर पट्टा तो जारी नहीं कर सकते, वो होता है। तो मैंने खुद ने मेरे पुश्तैनी जो मकान है उसके बारे में कई चक्कर लगाए, कईयों को कहा, तो मेरे को क्या कहा, आप अचुम्मा रखेंगे कि साहब पट्टे के ऊपर पट्टा नहीं दे सकते ये, तो मैंने कहा आप तो कैंसिल कर दो कि नहीं दे सकते, मैं हाईकोर्ट से करवा लूंगा, तो मेरा तो कर दिया। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे प्री पार्टीशन के जहां पे कन्वर्टेड है लैंड, उनको अपना मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए, आबादी तो बड़ी है तो जितने लड़के हैं लड़कियां हैं उनके शेयर्स होंगी, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में तो आपने अमेंडमेंट किया नहीं है, तो लोकल बॉडीज में आपने अधिनियम में डाल दिया, तो कहीं ना कहीं उड़जा कर रखते हैं। सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि टाउन प्लानिंग है जितना गड़बड़ है उसमें बहुत अच्छा संशोधन करने की आवश्यकता। आप भी अभी महसूस करते होंगे कि टाउन प्लानिंग में ना तो पावर, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आबादी बढ़ेगी तो आपको सब स्टेशन के लिए जगह चाहिए, तो फिर पार्क में से चेंज करके देते हैं, सामुदायिक केंद्र है, पानी की टंकी है, पानी की टंकी के लिए जेडीए में अभी 5 टंकियों का निर्माण हो रहा है, वर्क ऑर्डर दे दिए, लेकिन सिस्टम में अगर उसको डाल दिया जाए तो नुकसान कहां है। आज ट्रांसफार्मर बड़ा ट्रांसफार्मर है, 100 किलोवाट का है या 100 से ज्यादा का है, वो ट्रांसफार्मर घर वाले अपने घर के आगे लगाने नहीं देते, लोड बढ़ेगा तो आपको उसको डिवीजन करना पड़ेगा। टंकियां पीने के पानी का है, इसकी व्यवस्था हो, कचरा एक जगह इकट्ठा करने के लिए हर कॉलोनी के कुछ नॉमिनेटेड जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे डेडिकेटेड है, यहां पे कचरा इकट्ठा होगा, यहां से उठा के लेके जाएं, वो कहीं नहीं। आप अगर हसनपुरा में देखेंगे तो सड़क के बीच में डिवाइडर के ऊपर दोनों तरफ फैला हुआ, एनबीसी की दीवार की तरफ फैला हुआ, स्थान होता डेडिकेटेड रखा हुआ होता, चाहे वो 33 की जगह 30% ज्यादा उसमें 5-4% ज्यादा चली जाती, तो बेटर प्लानिंग होती। आने वाले 50 साल तक आपको जिन सेक्टर रोड्स की जरूरत है, मकान तोड़ने के बाद की बात तो दूर रहती है, मुकदमेबाजी भी होती है, बना दीजिए ना प्लान कि फ्यूचर ये सेक्टर रोड रहेगी जिसको ये कन्वर्टेबल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, विद्याधर नगर की सीकर रोड में एक प्लॉट है जो मैंने अभी आपसे निवेदन किया, मैंने लेटर भी लिखे हैं, मैं आपको भी भेजा है, 17 नंबर प्लॉट है, परशुराम नगर स्कीम नंबर 3, 35 फुट का है, उसको खोल के थोड़ा सा रोड के नीचे से वो जाएगा, सारा पानी उधर जा सकता है, लेकिन कोई इस पे कोशिश नहीं कर रहा। ये आप सरप्राइज होंगे कि आपके डीसी ऑफिस में जो फाइल में है उसमें से वो नक्शा गायब है जिसमें कैंसल लिखा है, इतना मैनिपुलेशन हो सकता है, ये थोड़ा सा चिंता वाली बात है। एक आपसे निवेदन करता हूं, अभी हमारी नगर पालिका नगर निगम होली के दिन एक बच्ची घर के नीचे, मल्टी स्टोरेड है, नीचे दुकानें हैं, बच्ची आई नीचे, एक बुजुर्ग रुका कान, वो कोई पार्किंग वालों के साथ खड़ा था, कार रोकी, गुलाल लगाई उसको, फिर ह्यूमिलिएट किया, बच्ची चिल्लाई तो कॉलोनी वाले वहां से ऊपर से उतर के आए, कार का नंबर रख लिया, सबको पता लग गया, उन्होंने FIR दर्ज कराई। हमारे वहां पे पार्किंग मिक्स यूज है, 20 रुपए पार्किंग का देखकर 50 रुपए का सामान खरीदने वाला नहीं आएगा, वो जौहरी बाजार नहीं है, वो वहां पर अगर इस प्रकार का होगा तो वहां पे फुटफॉल कम होने लग गया है,
और पार्किंग वहां पे नहीं होना चाहिए, गलत निर्णय चाहे नगर निगम ने लिया है उसमें चेंज करना चाहिए। आप इसमें हस्तक्षेप आपका चाहता हूं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू श्री संयम लोढ़ा। माननीय सभापति महोदय, हमारे महबूब नेता स्वर्गीय राजीव गांधी ने जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया था,